हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम अक्षेप एंड यू आर वाचिंग एवाईकी राइड्स। तो गाइज, इस वीडियो में मैं एक बजट राइडिंग क्लब्स के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ जो कि है अंडर 300 के। इसको मैंने कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, तो ये मैंने 30 अगस्त को ऑर्डर करा था और ये मेरे पास 2 सितंबर को आ गए थे। तो इसको मैंने 4-5 दिन यूज़ करा है और इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू भी करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने मंगाया था एल साइज़ में, क्योंकि जो मेरा हैंड है वो एल साइज़ का है। मतलब जैसे कि आपको ये परचेज़ करना है, तो जैसे कि आपको ये हैंड है तो आप एक स्केल से अपने ये नाप के, जैसे कि होगा जैसे कि आपका 9 सेंटीमीटर का हुआ तो वहाँ पे एक चार्ट होगा, जैसे कि आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो वहाँ पे आपका एल साइज़ मिलेगा। जैसे कि आपका हाथ, मतलब हैंड आपका 7 सेंटीमीटर का है तो आप एम साइज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। इसको मैंने अपनी लोकल मार्केट में भी देखा था, बट वहाँ का कॉस्ट कुछ हाई था। वहाँ पर ये मुझे मिल रहा था 400 का मिल रहा था और 450 का मिल रहा था। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, आप यहाँ इस प्राइस देख सकते हैं। ये मैंने करा था 295 का। तो ये सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पर प्रो बाइकर, और यहाँ पर भी लिखा है प्रो बाइकर रेसिंग इक्विपमेंट्स, और यहाँ पर भी लिखा है इसका प्रो बाइकर। तो सबसे पहले मैं इनको पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इसको ऐसे करके, ये बिल्कुल फिट आया है मेरे हाथ में। और यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे कि आप बाइक चलाते हो कुछ भी आपको यहाँ लगता है तो सबसे पहले यहाँ लगेगा, तो आपका हाथ बच सकता है। तो ग्लव्स अंडर 300 काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे भी नहीं हैं और काफ़ी बेकार भी नहीं हैं अकॉर्डिंग टू इसके प्राइस के। और ये दिया गया है एयर वेंटिलेशन के लिए, जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो यहाँ से आपके हाथ में अंदर हवा जाएगी और जो हाथ का टेम्परेचर है वो सही रहेगा। और इस साइड दिया गया है हमें एक प्लास्टिक का गार्ड, जैसे कि आप बाइक से गिरते हो तो सबसे पहले आपका यही पोर्शन ज़मीन पर लगता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा चोट लगती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें ये दिया गया है। यहाँ पर कुछ डॉट डॉट दिए गए हैं, जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो ये जो बाइक का आपका हैंडल है उसकी ग्रिप में पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मेरे साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैं दूसरा वाला भी आपको पहन के दिखाता हूँ, इसको ऑन करते हैं। ये इनका काफ़ी अच्छी क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू इसके प्राइस, आप देख सकते हैं अंडर 300 में काफ़ी अच्छे राइडिंग ग्लव्स मिल रहे हैं। आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ में, और जैसे कि आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो और शॉर्ट राइड पे जा रहे हो तब भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। और ये दिए गए हैं थोड़े रबड़ के बैंड, और ये एयर वेंटिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था। और आपको ये परचेज़ करने हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। टिल देन, राइट स्टेप, दिस इज़ अक्षेप साइनिंग ऑफ़।